पकड़। क्या कर रही है मिनी ये? करने दे बेब्स। अरे अभी हमने इंटरव्यूज के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो इसे जल्दी बन के थोड़ी ना जाएगी, टिप टॉप बन के जाएगी। मिन्नी की बेब्स है, ऐसे कैसे? पर इंटरव्यू मिनी। अरे इंटरव्यू, अरे बहुत इजी होता है, बस दो चार सवाल पूछेंगे, तू क्या कर सकती है क्या नहीं, फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझाएंगे, और तेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, तू लोड ना ले। अरे देखा नहीं उस दिन कैसे जज को पटर पटर जवाब दे रही थी। फिर पापा जी को भी चुप करा दिया, मीता की भी बोलती बंद कर दी, आई स्वेर बड़ा मजा आया था। मिन्नी मिन्नी सुना, ये पूछते क्या है वैसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में एक सेकेंड, शायद मेल आया होगा। मिनी, वो जो हमने मेल किया था ना, उसका रिपोर्ट आया है। अच्छा दीदी का मुझे देख। ओह माय गुडनेस, माता रानी, बेब्स बेब्स, मैंने अभी रिफ्रेश किया ना, तो बोले इतने सारे मेल आ गए, लिटरली जॉब की जैसे बरसात हो गई हो। तू ना बस बातें मत बना मिन्नी, तू जल्दी ओपन करके देख ना क्या मेल्स हैं। एक सेकंड, मैं पहला मेल खोलती हूँ बेब। हेलो मिस बबीता, वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, अनफॉर्चुनेटली इट डजंट फिट आवर जॉब रिक्वायरमेंट। अरे कोई नहीं, अभी बाकी इतने सारे मेल्स बचे ना, रुक जा, मैं बाकी सारे मेल्स भी चेक करते हैं। हेलो, वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, रिजेक्ट। रुक जा, और मेल्स हैं। डज नॉट फिट, योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहे हैं, मैं नहीं रहने दे। शायद मेरा बायोडाटा किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे बट दिस इज नॉट फेयर, जॉब रिक्वायरमेंट में ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट थी, तू तो ग्रेजुएट है अब। दिस नॉट फेयर, दिस सही नहीं है। किसे फोन लगा रही है तू मिनी? हेलो सोदियन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमने जॉब एप्लीकेशन भेजा था आपके यहाँ, रिजेक्शन मेल आ गया। किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपने? सेल्स मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। सॉरी मैम, वो वैकेंसी तो फिल हो गई। अरे ऐसे कैसे फिल हो गई? अब दिस इज नॉट फेयर ना, अब आपको कैसे पता कि जो आपने कैंडिडेट चूज किया वो मेरी बेब से बेटर है? देखिए मैम, ये सारे अपर मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब ये तो एकदम फेवरिज्म हो गया ना, भाई भतीजावाद हो गया ना। आप मेरी बेब से मिले ना, इंटरव्यू हुआ ना कुछ, अब बस ऐसे ही सीट दे दी। आप मुझे बताइए क्या चल रहा है इंटरनली, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगी, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आपको जो करना है आप करिए, आप कोर्ट जाइए या पुलिस में जाइए, आपकी मर्जी। और वैसे भी मैम, मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात, बिना इंटरव्यू लेके हम किसी के एप्लीकेशन रिजेक्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ उन्हें एप्लीकेशंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज अप्लाई वाया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या बोल रहा था ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है मिनी? मुझे भी नहीं पता यार। किससे पूछे हम फिर? कैसे पता चलेगा इसके बारे में? हाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं बे, इंटरनेट अंकल है ना। रुक जा भी चेक करते हैं। मिनी यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी भीड़ है, कहाँ जाए, ये फॉर्म कहाँ सबमिट करें? रुके एक सेकंड, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये फॉर्म कहाँ से लेना है और वो सबमिट कहाँ कराएंगे फिर? ओके थैंक यू। पता चला कुछ? हाँ बेब्स, उसने बोला है कि उधर से फॉर्म लेने हैं और ये सामने वाले इधर सबमिट करवाना है। तो तू एक काम कर, तू इधर लाइन में लग जा, मैं तब तक फॉर्म लेकर आती हूँ, लंबी लाइन है ना, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, रुक रुक, तुम मुझे अपने सर्टिफिकेट्स दे दे, मैं इसके जेरोक्स भी करवाने होंगे शायद, तो वो करवा देती हूँ। और हाँ ठीक है, तो लाइन में लग जा, और टेंशन मत ले, ठीक है, घबराना मत, लाइन में लगा आराम से, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक मैं वापस आ भी जाऊँगी। चल जा, समझ गया, बहुत कम क्यों, टेंशन मत ले।
मैम से। अशोक ने मुझे मना नहीं किया है काम करने से लवली, इस जैसा उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्किंग कल्चर नहीं है वुमेन के लिए, थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है, दैट्स इट। ओ अच्छा, तो मतलब शादी के बाद आप भी हाउसवाइफ बन जाओगी बबीता भाभी की तरह? ऑफ कोर्स नॉट लवली, अशोक ने कहा मुझसे कि एक बार उसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए तो वो इन्वॉल्व कर लेगा मुझे किसी ना किसी कैपेसिटी में, और फिर वो अगर ये कह रहा है तो कुछ सोच के ही कह रहा होगा ना, इंडिया में आदत नहीं है ना इन वुमन को काम करते हुए देखना, हाउसवाइफ्स ही होती हैं अक्सर यहाँ पे सारी लेडीज, तो नहीं होता होगा उनको डाइजेस्ट कि वो उनको काम करते हुए देखें, एंड इसलिए अशोक ऐसे बोला जो भी मुझसे बोला। तुम्हें क्या लगता है? संभाल के बहन जी। सॉरी, आप अपने बेटे बेटी के लिए लाइन में खड़े हो? है ये ना मेरा बेटा है मयंक, ये ना जॉब अप्लाई करने के लिए यहाँ आया है, और मैं ना हर हफ्ते ना यहाँ इसके लिए लाइन में खड़ी होती हूँ। हर हफ्ते क्यों? आप पहली बार आए हो ना, आप खुद ही देखोगे। अब ये तेरा फॉर्म है, ये ऑल सेट। आपकी बेटी है जी, बहुत छोटी लगती है जी, ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट? नहीं आंटी जी, अभी तो 12th ही किया बस। 12th बस? तो जॉब कैसे मिलेगी बेटा जी? ओ, नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरे लिए जॉब नहीं, वो तो मेरी बेब, मतलब मेरी मॉम के लिए जॉब, हम बेब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप करोगे जॉब? अजी आप तो ना हमारी तरह ही जी हाउसवाइफ लगते हो जी। और वैसे भी ना इंडिया में हाउसवाइफ को ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और अगर देखा जाए तो भाई सब तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ना, मुझे ये चीज बिल्कुल अनफेयर लगती है। खैर, जब तक सर पर ना आन पड़े तो बाहर काम करना ही कौन चाहता है भाई? जब तक घर पर हो ना तो सेफ हो, बाहर जाओगे तो 100 लोगों की 100 बातें। लवली आजा प्रसाद ले ले। अरे आप लोग आ गए मंदिर से, दर्शन हो गए? हाँ हो तो गए, ये ले प्रसाद। लवली वो पंडित जी भी मिले थे, और हमने उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से ना हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि शांति पाठ करवा लो या सत्यनारायण की पूजा करवा लो, आप क्या बोलते हो जी? सत्यनारायण की पूजा करा ले, तुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं। पर बीजी, आप पूजा कराने की कब सोच रही हैं? पंडित जी ने कल का ही मुहूर्त निकाला है। लो फिर तो हो गया। बीजी आज मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है और कल किटी है, तो आप मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं कोई काम करूंगी, और वैसे भी बीजी मैं ना मैनीक्योर कराने जा रही हूँ, और आप ना मुझसे पूजा के बर्तन घिसवाओगे तो मैं तो नहीं करने वाली। पर लवली मुहूर्त कल का ही है, नहीं तो फिर 1 महीने बाद का। सॉरी बीजी, अब मैंने तो आपको बोल दिया। आप एक काम करो ना, रानो की मेट को बुला लो, वो आपकी सारी हेल्प कर देगी और घर का एक एक काम करा देगी, और जहां तक पेमेंट की बात रही मैं सुखी जी को बोल के करा दूंगी, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। देखा कितनी स्वार्थी होगी आपकी लड़की शमी जी। अरे अपनी माँ की जरा सी हेल्प भी नहीं कर सकती? बबीता होती ना सारा संभाल लेती, अब प्रसाद तो घर की बहू बेटियां ही बनाएंगी ना। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ?
अगर आप बुरा ना माने तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। और ज्यादा बबीता बनने की कोशिश मत कर। कैसे बोला इन्होंने, शक्ल कैसे हो गई थी इनकी, इन्हें क्या लगता है तो वो टिपिकल हाउसवाइफ है तो जॉब नहीं कर सकती। आप जॉब करोगे जी? अरे कैसे बोल रही थी वो, हद होती है यार। उन्हें क्या पता मेरी पेप्स क्या चीज है। बस तू ही सोचते रहे सब। देखा जाए तो उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें क्यों ब्लेम करूं। कुछ टाइम पहले तो मैं भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसे जॉब अप्लाई करने वाली लाइन में लगूंगी। अरे पेप्स तो जॉब अप्लाई ही नहीं करेगी, तुझे जॉब मिलेगी भी और तुझे ही मिलेगी, इनके बेटे को थोड़ी ना मिलेगी। ऐसे कमकुट्टू सा दिखता है, देखा कैसे इडियट सा दिखता है। चुप कर। अरे इसे कौन जॉब देगा। अरे यार इतनी देर हो गई, कब से खड़े हैं, कितना टाइम लगेगा। और काउंटर बंद, अभी 5 बज गए। अरे अरे क्या क्या काउंटर क्यों बंद कर रहे हैं आप? 5 बज गए, काउंटर बंद हो गया, कल आना। कल आना? अरे यार हम लोग कब से खड़े इधर, आप एटलीस्ट फॉर्म तो ले लीजिए, हमारा पैसे कैसे बंद कर सकते हैं। एक लड़की, तेरे पीछे और भी लोग हैं, अगर तेरा फॉर्म लिया तो सबका लेना पड़ेगा। अंकल जी 2 मिनट लगने फॉर्म लेने के लिए, आप इतना क्या इतरा रहे हैं। और इतने सारे लोग हैं, हम पूरे दिन से खड़े हैं, हमारे पैर दुख गए हैं, फिर भी आप फॉर्म लेने से इतरा रहे हैं यार। नहीं फॉर्म तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे यार ये क्या है, ये कोई तरीका हुआ, जॉब मांग रहे, भीख थोड़ी ना मांग रहे इनसे। ऐसा तो रोज ही होता है जी, यहाँ लोग दिन दिन भर लाइन लगाए खड़े रहते हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी ने MBA किया है तो कोई कंप्यूटर की डिग्री लेके बैठा है, हाथ में डिग्री और मन में तो ये उम्मीद है कि किसी तरह फॉर्म जमा हो जाए तो नौकरी का कॉल आए, पर नौकरियां तो हैं कहाँ, बस भीड़ ही भीड़ है जी। बिलाल एक बात है, ये जो पुलिस वाला अपना जॉब है ना जी, इसमें यार बढ़िया बढ़िया काम करो, मेहनत करो ना, तो यार अप्रिसिएशन भी मिलती है। सर साहब मजा आ गया, इसी बात में ना आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी लाता हूँ जी। जा, 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 जी ओ सर साहब चाबी तो दो जरा। भाई घंटी बजाना। ओ सर साहब लॉक लगा हुआ है जी, नहीं तो चाबी आपसे क्यों मांगता मैं। लॉक? हाँ जी। अरे देख लो भाई लाले, तू ही तो चाबियां लेकर आता है। ओ, नहीं नहीं सर साहब, चाबी मैं कहाँ लेके जाता, चाबी आपके पास ही होगी। अरे मेरे पास कहाँ होगी, मुझे लग रहा है कि आज ये मदर डॉटर दोनों जो हैं ताला लगा के चली गई और मैं चाबी रखना भूल गया आज। तो अब अच्छा हाँ भाई, वो वीरबाली का कह रही थी कौन सा वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना था ना, उसको फोन पे बात कर रही थी, तो वहीं गई होगी वो। ओ सर साहब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो 5 बजे बंद हो जाता है, अब तो बज गए 6:30। फिर कहाँ चली गई भाई, फोन लगा देखे। जी सर साहब अभी लगाता हूँ जी। नो इंटरनेट सर साहब। इंटरनेट नहीं नेटवर्क। ओ हाँ नेटवर्क जी, नहीं बता रहा। या फिर कहाँ चली गई दोनों जनानियाँ, आसपास यहाँ बाजार बाजार के अंदर कुछ शॉपिंग शॉपिंग तो नहीं कर रही है। सर साहब बेचारी जनानियों के पास पैसे ही कहाँ है जो शॉपिंग करेंगी। तू भी ना बिना टाइम का लारम सा है, गलत टाइम पे बच जाता है तू। भाई ये नहीं कि तू थोड़ा सा ढांढस बंदा है, थोड़ी सी हिम्मत बंदा है, मुझे बोले कि भाई यहीं कहीं होंगी आसपास में, टेंशन मत लो आ जाएंगी। तू तो जबरदस्ती जो सस्पिशन वाला मेरा दिमाग है ना उसको कहीं और दौड़ा रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हो गया भाई, कई वीरबाली का फिर से तो कहीं नहीं लड़ मरी। सॉरी सॉरी जी सॉरी। भाई देखना पड़ेगा ना ऐसे में दोनों जनानियां कहाँ चली गई। टेंशन वाली बात तो है सर साहब। कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मिनी मिनी मुझे तो है ना यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत सुनसान जगह है, इस स्कूटी को भी अभी खराब होना था, वो तो क्या तब से लगी हुई है इसमें से ठीक करने के। एक सेकंड वेट, फिर सोचना फायरिंग मत कर। और दूसरी बात, तुझे पता है गैरेज कहाँ लेके जाएंगे स्कूटी को, खींचते खींचते हालत खराब हो जानी हमारी। यार बस एक ग्लास चार्ज दे दे, मुझे लगता है ये ना स्पार्क प्लग का कोई इशू है, मुझे बस एक ग्लास चार्ज दे दे, मैं ठीक करती हूँ अभी। मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? तू क्या करेगी, तुझे क्या आता है, रुक जा। तेरे से तो लगी हुई है, टेंशन बढ़ रहा है मेरा। ठीक कर।
मिनी, हाँ? वो गाड़ी वहां पे क्यों रुकी है? तू उससे मुझे निकाल, देख रहा वो गाड़ी है अपनी तरफ आ रही है, कौन सोच सकते उसमें? क्या कर रही है तू? पीछे हट मिनी, पीछे हट, कुछ उठपटांग काम मत करना, चल यहां से मिनी। जज साहब को इंप्रेस कर लिया, क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? खरीदना क्या चाहती हो तुम? दो कोड़ी की कीमत नहीं है इसकी मेरे नजरों में। मुझे तो एक काले मोती खुशी नहीं दे पाए, शायद तुम्हें दे सके। तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो इस वक्त? और ये क्या हालत बनाई हुई है? जवाब दो, गॉड डैमिट, बोलो। आप होते कौन है हम पे चिल्लाने वाले या हमसे कोई भी सवाल जवाब पूछने वाले? हम क्यों जवाब दें आपको? हम जिए या मरे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भूल गए क्या आप? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा है, तलाक हो चुका है हमारा। तुम्हारा मेरा तलाक हो गया है, लेकिन मैं मिनी का बाप जिंदगी भर रहूंगा, समझी? Yeah, unfortunately. मुझे तुम्हारे इन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? चलो बैठो, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। मैं आपकी गाड़ी में बैठू? No way, never ever. और कुछ भूल तो नहीं रही ना पंडित जी? ठीक है जी, हाँ एक मिनट पंडित जी, आ रही हूँ। बीजी मैं देखती हूँ। हाँ जी पंडित जी। आप इतना सारा सामान उठाया आपने अकेले, आप कितने थक गए? ये सामान आप मुझे दे दीजिए, मैं रख दूंगी। आपसे नहीं उठाया जा रहा था तो मुझे बता देते, मेहमानों को बोलने की क्या जरूरत है? फूल हो गए, दूध, दही, गंगा जल, शहद। शहद भूल गई क्या? पंचामृत कैसे बनेगा? मैं वापस जाके ले आता हूँ। नहीं जी, आप आराम करो, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं कल रानू के घर से ले आऊंगी पंचामृत बनाने के लिए। इससे पहले मुझे कभी तैयारी नहीं करनी पड़ती थी ना पूजा की। बबीता होती थी ना तो चाहे कोई सत्संग हो या कोई भी पूजा, बोलने के पहले ही सब चीजें हाजिर हो जाती थी। अब ये सब कह के क्या फायदा शमी जी, वो नहीं लौटेगी। अब जो है हम है, आपस में मिलकर सब कुछ कर लेंगे। बस अब ये पूजा वूजा रखवानी बंद करिए शमी जी, उम्र का ध्यान रखिए, अब इतना सब कुछ नहीं होता। सच कह रहे हो जी आप। बबीता क्या गई इस घर से, पूजा अर्चना ही चली गई। हेलो, हाँ क्या बात है मीता, क्यों फोन किया? तुम्हें कहा था ना बिजनेस के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटने में टाइम लगेगा, क्या इमरजेंसी आ गई? ये कोई नया रूल बनाया तुमने कि इमरजेंसी में ही कॉल कर सकती हूँ मैं? ऐसे फोन नहीं कर सकती क्या? नहीं तो फिर बता दो, नहीं करूंगी फोन, इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये कि तुम जब आओगे ना वापस घर तो शहद ले आना। शहद? अब तुम्हें शहद की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे नहीं बाबा, वो सत्यनारायण की पूजा रखी है माँ बाबा, मेरा मतलब है कि बीजी ने, तो उनको चाहिए। तो वही कहीं मार्केट से ले आओ यार, उसके लिए भी अशोक बुलाना चाहिए क्या? बेला समझ रखा है क्या घर वालों को, मैं सत्यनारायण की पूजा कराता फिरूं, अब कहाँ से ढूंढूं मैं यहाँ पर शहद? ठीक है मत लेकर आना, मैं ले आऊंगी बस, खुश। हेलो लाला अंकल। हाँ हमें घर आते आते देर लग जाएगी। हेलो 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 अशोक,
मिन्नी के साथ क्या क्या कर रहे हैं ये? देखो मैडम, एडवांस दोगे ना तभी काम होगा, नहीं तो ले जाओ अपनी स्कूटी। एक सेकेंड, रिपेयर से पहले पैसे क्यों मांग रहे आप? मैडम स्पेयर पार्ट्स लाने पड़ेंगे। अरे तो ले आओ ना स्पेयर पार्ट्स। अरे वाह, अगर मैं ले आया और आपने पैसे नहीं दिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे कमाल की बात कर रहे हो यार, मैं अपनी स्कूटी इधर छोड़ के जा रही हूँ, आप पे इतना ट्रस्ट कर रही हो और आपको कि स्पेयर पार्ट्स नहीं ला सकते? जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पैसे खुद देंगे, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। मिनी कितना कह रहे हैं आप भैया? 600 रुपए मैडम। ये लीजिए, अब तो स्कूटी रिपेयर हो जाएगी ना? जी मैडम, कल दोपहर तक ले जाना आप स्कूटी। जी चल बेबी। एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम लोग अकेले इतनी रात में? चलो मैं छोड़ देता हूँ। एक मिनट प्लीज, हमें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है, हम खुद के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। वाह जी, आप दोनों तो महान हैं। आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती मुझसे मदद मांगने में तिल मिलाहट होती है तुम्हें? तिल मिलाहट? तिल मिलाहट तो इन्हें हुई थी, एक अपनी बेटी का हक क्या मांग लिया, पूरे कोर्ट रिश्ते तार तार कर दिए, और अब किस हक से हमारी हेल्प करना चाहते हैं? ऐसा नहीं लिया तो फिर न जाने क्या क्या सुना पड़ेगा, अब और ज्यादा इंसल्ट हम नहीं सह सकते हैं। फाइन, मेरी मदद तुम्हारे लिए इंसल्ट है ना, तो ठीक है मैं मदद नहीं करता, लेकिन तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? रात के 9 बज रहे हैं, ना यहाँ कोई ऑटो चलता है ना कोई बस, कैसे जाओगे दोनों घर? इनसे कह दो मिनी, इन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से मैनेज कर लेंगे, हमें बस हमारे हाल पे छोड़ दें। यस पापा जी, प्लीज प्लीज लीव अस अलोन, हम चल के चले जाएंगे। चल बेब्स। फाइन, तुम लोगों को मेरी गाड़ी में नहीं जाना, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं नो, इस बात पे कोई बहस नहीं होगी मिनी, आई विल नॉट लिसन टू यू मिनी। मैं टैक्सी बुला रहा हूँ, 5 मिनट में टैक्सी आ जाएगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हेन एवरीथिंग इज ओवर तो फिर आप क्यों बार बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों सेफली घर पहुंच जाओ। तुम दोनों नहीं तो कम से कम मेरी बेटी सेफली घर पहुंच जाए, और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी माँ को तो ये बात समझनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.